अभी पैसे देने पड़ेंगे, ओरिजिनल हो या नकल हो। सको जी यार जी, ये चीज ही नहीं आपने सही भेजी ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये कि घड़ी है, पट्टे भी हैं इसके साथ। पट्टे नहीं, स्ट्रैप बोलते हैं। इसने मान के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया, आप लोगों को पता ही है। फिर किसका अंदर दो रखे, एक लड़की वाली और एक है मर्द वाली। उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे नूर जहां के बालों जैसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुलेमान भाई ने मंगवाया है पार्सल, देखते हैं उसके अंदर से क्या निकलता है। सुलेमान भाई ने टच घड़ी मंगवाई है जी, देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से, खोल के चेक करते हैं। सुलेमान भाई आप सुनाओ क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठीक है। पेमेंट ये पेमेंट के बगैर नहीं खोलने देते, पॉसिबल नहीं है खोलना पेमेंट के बगैर। 5,299 रुपये की घड़ी है जी, खोल के देखते हैं इसमें से शॉपर निकलते हैं या फिर घड़ी निकलती। Apple Watch Series 9 ब्लैक कलर ओरिजिनल जो निकल आई, तो फिर सुलेमान भाई मजे हैं आपके, जो कोई शॉपर शॉपर कोई चीज निकल आई। इधर एक खोला, इधर एक नहीं, आपने पे करनी है फिर आपको सर। उसका नहीं नहीं, इसका इशू नहीं है ना, पेमेंट हमारे हाथ में, पेमेंट हमारे पास है। नहीं पेमेंट आप अगर मेरे सुलेमान अगर ये हम देंगे ना, अभी पहले चेक करेंगे तो आप नहीं, आप खोल लेना ना। इस तरह मेरी बात ऑर्डर वो ना हुआ ना तो मैं आपको इसी उस पे रिटर्न कर दूंगा, समझ रहे हैं? असल मसला ये खुला हुआ वापस हो जाता है। नहीं मैं फिर खुला वापस नहीं लेके जाऊंगा आपको जी, ये वो चीज ही नहीं है। तो फिर अगर आपने खोला नहीं, तो फिर तो देंगे ना, फिर नहीं पता क्या। मेरी बात बस मैं एक चीज समझाता हूं सलमान में, देखो अब ये पार्सल है ना, ठीक है, ठीक है। अब ये पार्सल अगर आप खोलते हो ना, इसके ऊपर खोलने की इजाजत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको खोल लेते हो फिर आपको पेमेंट देखना पड़ेगा। जब ऑर्डर किया आप उसे कहते हैं जी इसके ऊपर अलाउड टू ओपन, अगर इधर लिखा होता ना तो आप बेशक जिस तरह मर्जी खोल लेते, कोई इधर अलाउड टू ओपन लिखा होना चाहिए। अब ये क्या घड़ी, घड़ी कौन सी घड़ी है दिखाओ, इधर दिखाओ, टच घड़ी है जी, टच घड़ी है। चेक करा उसका मैं पेज देखूं कोई क्या समझ आता है, इसके कोई कमेंट्स में पढ़े पता चले, कमेंट्स में लिखा होता है इसमें घड़ी दिखाओ। ये काउंट है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपके ये वाला है, क्योंकि ये वो इनका काम है सिर्फ डिलीवर करना, ये किसी और बंदी कंपनी होगी, ठीक है। ये जो आपके ब्रांड से आपने मंगवाया है ना, ये वो सारा उन्हें आपने, तो आप उधर नहीं, अगर मैं आऊँ आपके पास जो जब डिलीवर करवानी होती है किसी जगह की, तो मुझे आप ये बताया ना, आप पार्सल करते हैं ना उधर का? मेरे भाई ये बात क्या नहीं करते, आपको तो पता होगा ना, आप ये लेके जाते हैं पार्सल वगैरह देने, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन सी चीज है, क्या नहीं, 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 नहीं। इनको पता इसका नहीं होता, इनको इसलिए नहीं पता होता क्योंकि इन्होंने बैग नहीं किया। यार मेरी बात सुने, अक्सर तो आपको पता होगा जैसे पार्सल देने जाते हैं तो उनकी चीजें अच्छी निकलती है, कैसी निकलती है, वो तो आपको पता होगा ना। जो आपके सामने खोलते होंगे वो पता होगा, सामने खोलते हैं वो बताएं, वो हम आपसे पूछ रहे हैं। चलो अल्लाह की किस्मत में खोलो, खुल गई तो आपकी ना, शॉपर शूपर निकला तो भी आपका, घड़ी निकली तो भी आप, लग रही तो घड़ी है, अल्लाह खैर ही करे। सलमान भाई ने खोल लिया जी, पता नहीं क्या निकलता है इसके अंदर से, देखते हैं जी। दुआ करो घड़ी मिली, अभी पैसे देने पड़ेंगे, ओरिजिनल हो या नकल हो। अल्लाह घड़ी निकल रही है, बड़ी बात है माशाल्लाह। खोल यार, ओरिजिनल अंदर जाके खोलो, बाकी ओरिजिनल नहीं है, वजनी है, हल्की सी है, वजनी है, हल्की सी है। फोन करते हैं ना, बाहर निकल आई है, अब जो भी है शुक्र करो निकल आई है, कुछ ना कुछ निकल आया इसके अंदर से। नहीं नहीं ठीक है, बाकी है जैसी भी है, ठीक है। भाई को पेमेंट करो, भाई इंतजार कर रहे हैं, फटे छटे भी निकल आए दो, नरम है। यार सुलेमान भी मेरे से अगर आप मशवरा करते तो मैं आपको बताता, इतने पैसों में इससे भी अच्छी घड़ी आ गई, रिप्लेस करके देंगे आपको। आप उनको मैसेज करके आपने क्या रिप्लेस करनी है? कौन सी जगह है, क्या चीज? कराची से, नहीं अब रिप्लेस इसके ऊपर होगी ना, बात करके अगर रिप्लेस करते हैं तो। ऑर्डर किया उसे को जी यार जी, ये चीज ही नहीं आपने सही भेजी ही नहीं है, तो वो रिप्लेस कर देंगे। हाँ जी हमारे पास रिप्लेस आती हैं। चलो शुक्र करो निकल आई है घड़ी, है कुछ और निकल आता तो, कोई केला शेला उधर से निकल आता तो फिर क्या करते, फिर क्या करते, फिर केला वापस नहीं आता। नहीं वो यार वो कह रहा है कि रिप्लेस हो जाएगी तो फिर कर देते हैं ना, अंदर जाके चेक करते हैं ना पहले, क्या इसको पेमेंट कर दो, उसकी पेमेंट क्लियर करो। पेमेंट कर दी है वो, 5,300 है, कितने बनते हैं इस पे? 5,300 डिलीवर करके जाऊंगा और ये चीज आपकी ले लूंगा, लेकिन आपने ये सारी चीज संभाल के रखनी है। सही है,
ठीक सारी चीजें मोबाइल रखा अभी चला के चेक करो अगर सही निकलती है तो ठीक है नहीं तो वापस करेंगे तो अभी जाके पता लगेगा ना चलो अंदर जाके चेक करो अभी ये फोन पकड़ना अभी चलो अंदर जाके चेक करें वजन तो है लेकिन चेक करते हैं अभी क्या निकलता है अभी यार हमने लोगो देखा है एप्पल देखा हमने कहा ये ओरिजिनल है 5000 की एप्पल की ओरिजिनल मिलती होती तो मैं चाय पी के एंजॉय कर रहा हूं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है फिल्म हो रही है सर श्रीमान अब उधर पाने हैं याकूब भाई क्या कहना चाहेंगे शायर मारे इसके ऊपर फिल्म हो जाता सर मैं पूछ के इंसान किस किस मकाम से नफरत सी हो गई इस दिमाग के नाम से ये छोटी छोटी चीजों ये छोटी छोटी गलतियों से ना बंदा सीखता है छोटी गलतियों से इंसान सीखता है जी बिल्कुल ये गलतियाँ ना हो तो इंसान को कैसे पता कि बंदा कैसे संभलता है कैसे अपनी जिंदगी में वो करता है इस गलती से बचने के लिए रिव्यू का ऑप्शन होता है पहले जो ऑर्डर आता है उसके पहले रिव्यू चेक करते हैं फिर मंगाते हैं तब बंदा इन गलतियों से बच निकल आई है घड़ी है ये भी चाय पर ये के लगी है कि घड़ी है पट्टे भी हैं इसके साथ मोहिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर ये भाई ने घड़ी मंगाई है भाई के साथ स्कैम हो गया लोकल है लोकल है चाय देखना यार चाय ना गिरा देना दो नंबरी होगी अभी इसका क्या इलाज है मोहिन भाई क्या इलाज करना चाहिए इनका इलाज है ये वापस भेज दे जम्मू पे मारे वापस ना ले तो फिर क्या करेंगे वापस वो नहीं ले रही जब एक बार चीज दे देना वापस नहीं करते भाई पेमेंट हो गई है पेमेंट हो गई सारा कुछ हो गई अंदर आके चेक कर रहे हैं भाई चलो शुक्र है कि घड़ी है अंदर ये बात है इसको क्या हुआ ये मोहिन भाई क्या हुआ दिखाओ दोबारा करें दिखाओ क्या क्या किया है क्या हुआ अभी कुछ नहीं हुआ कुछ तो हुआ आवाज आई है पीछे कोई ये देखें तो बाहर जल गया मेरा ये मोहिन भाई का हाथ जल गया जी इसके लिए दुआ करें इसका हाथ ठीक हो जाए कोई ऊपर कोई क्रीम श्रीम नहीं लगाई आपने क्या चक्कर है लगाई है ना क्रीम लगाई है किधर है उधर पड़ी है अंदर हाथ जल गया मोहिन भाई का देखें आप बर्तन भी इनके हिस्से के मुझे धोने पड़ेंगे आप क्या करें आप मोहिन भाई ये क्या मतलब किस तरह जला किस तरह क्या रोदात पेश आई है मुझे बयान करें ना ऑडियंस जानना चाह रही है रमजान भाई इधर सुबह टाइम नाश्ता कर रहा था तो वो उठाया स्पैचुला वो गर्म था अच्छा तो बस वो आए अल्लाह मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसका हाथ चलेगा इस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह जल्द से जल्द इसको सेहत याब करे और आप लोगों ने मिल के दुआ करनी है इसके लिए और ये सुलेमान के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया आप लोगों को पता ही नहीं है उस बेचारे ने एप्पल की वॉच गिफ्ट मुझे तो पता नहीं है दुख के ऊपर भाई बड़ा परेशान है दुख वाली पोएट्री कोई दुखी पोएट्री सुना दो इसके ऊपर उलझे हैं तेरे ख्यालों में ऐसे नूर जहां के बालों जैसे नूर जहां के बाल कैसे नूर जहां के बाल यार वो भी उलझे हुए यार हमने कहां से शेर सुना यार यकूब भाई कहां से शेर सुना हमने नहीं भाई के साथ तो हो गया स्कैम सुलेमान भाई के साथ आपने कोई चीज़ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए मंगानी हो तो उसके लिए आप ऐसा करें कि पहले जो भी वेबसाइट जहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं उसको खोलें उसके रिव्यूज़ चेक करें लोगों ने अगर 4, 5, 10, 20 रिव्यूज़ हैं ना फिर ना मंगवाएं क्योंकि वो 20 रिव्यूज़ फेक भी हो सकते हैं ना खुद से फेक रिव्यूज़ डाल सकते हैं कि यार ये घड़ी बहुत अच्छी है खरीद लो ये वो पोएट्री आई है जी पोएट्री है कि मनपसंद औरत ने हमेशा मर्द को चर्सी बनाया है दूल्हा नहीं अच्छी नहीं लगी की तरह होते हैं थोड़ा सा ध्यान ना दो तो जम जाते हैं ये भी इसलिए अच्छा आप लोग एहतियात करें थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम के लिए कि अपने साथ स्कैम ना करवा लें बाकी आज का व्लॉग देखने के लिए बहुत शुक्रिया अगर आपको व्लॉग पसंद आया कमेंट करके बता दें लाजमी कि आपको वीडियो कैसी लगी है तब नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ मोहिन भाई आप अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ गाइस बस दुआ करें सुलेमान के लिए कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर आए ना बेचारे का वो परफेक्ट आए ठीक है और फैजान भी को लाइक करो फॉलो करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो अन नहीं सब्सक्राइब करो अली सब्सक्राइब और मेरा भी चैनल लाइक कर दे करो यार शेख कादिर 786 यूट्यूब चैनल है मेरा शेख कादिर साहब और प्लीज गए एक घंटी का प्रेस करना ना भूलिएगा वो लाजमी लाइक आप यकूब भाई क्या कहना चाहोगे मैं ये कहता हूँ हैप्पी एवरीथिंग गोज वेल हैप्पी
एवरीथिंग गोज वेल, ऑल इज वेल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।